नमस्कार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हेलो गाइस वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज आप सभी का मैं सुशील द्विवेदी एक बार फिर से नए वीडियो पे स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि इस समय ए वी एस के सीरीज़ में चला रहा हूं जो कि यू पी टेट सी टेट एम पी टेट यू पी पी सी एस यू पी बी एड ऐसे बहुत सारे एग्जाम में जहां भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल है दोस्तों ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बीस से पच्चीस क्वेश्चन जो कि महज आपका पाँच से दस मिनट लेते हैं लेकिन आपको इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी कि आपको अलग से कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है दोस्तों इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शुरू करेंगे आज का वीडियो ये दोस्तों जो हमारा टॉपिक है सजीव जगत <coughs> पिछला वीडियो भी इसी पर था और ये वीडियो भी इसी पर है सजीव जगत में मैंने इसके पहले की वीडियो में ट्वेंटी क्वेश्चन दिए थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सचिव जगत के से पादप से रिलेटेड थे यानी प्लांट से रिलेटेड थे और जो आज के क्वेश्चन हैं ये भी सचिव जगत से हैं लेकिन आज हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे यानी जंतु जगत के बारे में क्वेश्चन को पढ़ेंगे ठीक है चलिए शुरू करेंगे वन बाई वन क्वेश्चन को दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन है हमारा जंतु जगत के जनक कौन है पहला ऑप्शन है थियोफ्रिस्टस दूसरा है अरस्तु और तीसरा चार्ल्स डार्विन और चौथा है कैरोलस लीनियस तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी है यानी कि अरस्तु अब ध्यान रखिएगा वहाँ मैंने पादप जगत का जनक बताया था वो अलग है ये अलग है ठीक है तो जंतु जगत का जनक कौन है अरस्तु है क्वेश्चन नंबर टू में देखिए रुधिर का लंग, रंग लाल क्यों होता है तो रुधिर का रंग लाल क्यों होता है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आप लोग को पता होगा हिमोग्लोबिन के कारण होता है यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं तो कितने भाग होते हैं भाई चार भाग होते हैं यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फोर निम्नलिखित में से किस कारण दिल की धड़कड़ बढ़ जाती है ऑप्शन देखिए डरने पर बिल्कुल जब आप डरते हो तो किसी चीज़ से भयभीत हो गए घबरा गए तो अपने आप जो हार्ट बीट होती है बढ़ जाती है ज़्यादा खुश होने पर भी ऐसा होता है और दौड़ने भागने पर भी होता है यानी कि जो डी ऑप्शन इसका डी ऑप्शन क्या है सभी ठीक है यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है हृदय का कार्य क्या है हृदय का कार्य क्या है खून साफ करना आ, या फिर खून को विभिन्न रंग देना या फिर खून को पंप करना और चौथा क्या है अवशिष्ट पदार्थों को निकालना तो आपको पता होगा कि जो हृदय होता है क्या करता है खून को पंप करता है, है ना सर्कुलेट करता है ब्लड को यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है अब यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हैं फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कूट दिया है जिसका इस्तेमाल हमें करना है पहला ऑप्शन है रुधिर अपशिष्ट पदार्थों पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है ठीक है तो ये बिल्कुल सही है ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरा क्या है परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी ये भी बिल्कुल ठीक है परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी विलियम हार्वे ने की थी और तीसरा है कॉकरोच केकड़े जैसे जीवों का खून आ, लाल होता है ये गलत है चौथा ऑप्शन है शिराओं में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है ये भी गलत है यानी कौन से दो ऑप्शन आपको सही मिले पहला और दूसरा अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा कूट दिया हुआ है पहला और दूसरा ए वाला है यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है ए सही है क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे है निम्नलिखित में रक्त समूहों में सार्वभौमिक प्राप्त समूह में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है दोस्तों सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता का मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी से ब्लड ले सकता है आपको पता होगा कि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ ब्लड ग्रुप होता है और वो एक निश्चित ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है ऐसा नहीं है कि किसी भी ब्लड को किसी के में भी चढ़ाया जा सकता है ठीक है तो लेकिन इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कि वो किसी का भी ब्लड ले सकता है तो दोस्तों ओ नहीं ए नहीं ए बी बिल्कुल जो ए बी है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यानी कि ए भी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है तो सर्वदाता कौन सा होता है आपको पता होगा वो होता है सर्वदाता अगर यही क्वेश्चन ये पूछता कि सब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है तो ओ ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो सबको दे सकता है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट है हमारा मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं एक दो तीन एक भी नहीं दो होते हैं भाई फेफड़ों से क्या चीज़ बाहर निकलती है ऑप्शन ए है ऑक्सीजन ऑप्शन बी है यूरिया ऑप्शन सी है पसीना ऑप्शन डी है कार्बन डाई ऑक्साइड इसका दोस्तों जो ऑप्शन है डी करेक्ट है यानी कि फेफड़ों से क्या बाहर निकलता है कार्बन डाई ऑक्साइड ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन क्या है अपचित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है <coughs> लीवर में मलाशय में गुर्दों में इन सभी में तो ये होता है मलाशय में जो अपचित यानी कि जानते हैं हम जब भोजन खाते हैं भोजन करते हैं तो उसमें से कुछ पोर्शन क्या है जो इसका पाचन हो जाता है कुछ ऐसा है जो इसका पाचन नहीं होता है तो जो अपचित है वही उसी का होता है कहाँ इकट्ठा होता है वो मलाशय में होता है ठीक है अब क्वेश्चन नंबर इलेवन देखेंगे यहाँ पर क्या है आ, पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है मुँह से अमाशय से छुद्रांत से वृदांत से तो इसका ऑप्शन ए है यानी कि शुरू कहाँ से होती है मुँह से शुरू होती है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं क्वेश्चन <स्थाँगा> नंबर ट्वेल्व है छोटी आंत की लंबाई क्या है वन पॉइंट फाइव मीटर टू मीटर थ्री पॉइंट फाइव मीटर सेवन पॉइंट फाइव मीटर दोस्तों जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो सात से आठ मीटर के बीच की होती है यानी कि यही सेवन पॉइंट फाइव ही आपका सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन है 7.5 मीटर बिल्कुल करेक्ट है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं पाचन प्रक्रिया के विषय में किसने खोजबीन की थी ऑप्शन ए है रोनाल्ड रोस ऑप्शन बी है विलियम बोमेंट ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी है लुई पास्चर तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी यानी कि विलियम बोमेंट ने इसके बारे में खोजबीन किया था ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में है जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं उसको क्या कहते हैं पाचन स्वांगीकरण अवशोषण निष्कासन दोस्तों इसको कहते हैं स्वांगीकरण ठीक है जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा यानी ब्लड के द्वारा शरीर के अलग अलग पार्ट में जो पहुँचते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्वांगीकरण कहते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या है दूध के दाँत कितने होते हैं दूध के दाँत कितने होते हैं टेन फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी टू तो ट्वेंटी होते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कह रहा है जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है पहला ऑप्शन है नमाशा में दूसरा वृद्धांत में तीसरा शुद्रांत में चौथा मलाशय में तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला है यानी वृद्धांत में ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जब डायफ्राम अपनी जगह आ जाता है तब फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस भर जाती है ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों दोनों में से कोई नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यानी यहां भी कोट वाला क्वेश्चन है ओके okay. कह रहा है छोटी आत में कार्बोहाइड्रेट वशा और प्रोटीन का पाचन होता है दूसरा ऑप्शन है लीवर एमिनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है तीसरा ऑप्शन है गुर्दे रक्त में से हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं चौथा ऑप्शन है निम्नलिख हृदय के ऊपर वाले दोनों भाग अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों भाग नीलय तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन है कह कहरा उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है तो आपको बता दूं यहाँ तो सारे ही सत्य हैं जो आपने ऊपर स्टेटमेंट अभी पढ़े हैं देखिए पहला भी सही है कह रहा है कि छोटी हाथ में कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पाचन होता है सही है लेवर अमेनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है ये भी करेक्ट है और तीसरा है गुर्दे रक्त में से हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं चौथा है हृदय के ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद दो और नीचे वाले नीले कहलाते हैं अभी बताया था ना हृदय के चार भाग होते हैं तो इस हिसाब से इसमें जो ऑप्शन है डी करेक्ट हो जाएगा यानी इनमें से कोई नहीं ध्यान रखिएगा पूछा इनमें से कौन असत्य है तो असत्य जब कोई है ही नहीं तो ऑप्शन क्या है ना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो नाइनटीन है कह रहा है कि भोजन पचने का सही क्रम क्या है अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण बहिष्करण पहला ही ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है देखिए अंतर्ग्रहण पहले हम ग्रहण करेंगे फिर पाचन होगा अवशोषित होगा फिर स्वांगीकरण होगा तब फिर बहिष्करण होगा यानी ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन भोजन पचने का जो सही क्रम है वो क्या है अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण बहिष्करण चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन तो सी ऑप्शन करेक्ट है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या है पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है शेर हाथी गेंडा जिराफ तो भाई इनमें तो सबसे बड़ा हाथी ही होता है यानी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कर निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है पहला दोनों की दृष्टि मनुष्य से छः गुना ज्यादा होती है आ, नहीं दूसरा क्या है दोनों अंधेरे में अपनी पूछो की सहायता से शिकार का पता लेते लगा लेते हैं एक मिनट एक मिनट देखिए क्या क्वेश्चन क्या फिर से पढ़ता हूँ निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती दोनों की दृष्टि दृष्टि मनुष्य से छह गुना ज्यादा होती है हाँ ये सही है ऑप्शन दोनों अंधेरे में अपनी पूछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं ये भी बिल्कुल करेक्ट है और तीसरा है दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है भाई ये शेर और बाघ दोनों में समानता ही है तो यानी ऑप्शन डी इसका उपरोक्त सभी ये करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री गेंडे की चमड़ी कितनी मोटी होती है 1.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो दोस्तों जो गेंडे की चमड़ी होती है या त्वचा तो अच्छा होती है 1.5 सेंटीमीटर होती है ऑप्शन है इसका करेक्ट 24 क्वेश्चन क्या है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दो दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है शेर बाघ जिराफ हाथी तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जिराफ ठीक है ट्वेंटी फोर क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव में क्या है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है ऑप्शन ए है वेल ऑप्शन बी है पेंगविन डॉल्फिन स्लाद तो पेंगविन इसका करेक्ट ऑप्शन है ठीक है यानी पेंगविन ऐसा है जो जानवर है जो अंडे देता है तो दोस्तों आज के यही रहे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आई होप आप लोगों को ज़रूर मज़ा आया होगा बहुत आसानी से आपको सीखने को मिल रहा है अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दिया करें अच्छा लगता है और दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें और दोस्तों का चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप जो पहले से हैं उन्हें तो पता ही होगा जो नए लोग हैं जान लें यहाँ पर मैथमेटिक्स के बहुत ही बेहतरीन वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं आपको मिलेंगे और आगे भी बनाता रहूँगा लेकिन फिलहाल इस समय लॉकडाउन के कारण जो है बोर्ड यूज़ नहीं हो रहा इसलिए मैथमेटिक्स की वीडियो कम बना रहा हूँ ठीक है चलते हैं दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में थैंक यू